तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं सुबह सुबह किचन में आ गई हूँ। आके ना ब्रेकफास्ट बना रही हूँ बड़ी बेटी के लिए और हस्बैंड के लिए। हम लोग के लिए मैं बाद में बनाऊँगी, क्योंकि आज मैं उपमा बना रही हूँ और थोड़ा सा ही सूजी है। तो पहले देख सकते हैं यहाँ पे कढ़ाई में तेल को डाल के इसको गर्म कर दी। उसके बाद मूँगफली और एक प्याज को काटी थी लंबा लंबा, उसको ऐड कर दी। और दो मिर्चा मतलब हरी मिर्च, उसको भी काट के अभी सारे चीज़ को मैं फ्राई कर रही हूँ। और यहाँ पे मैं गाजर को ना कद्दूकस करके रखी हूँ, एक गाजर, तो उसको भी अभी मैं ऐड कर दी हूँ। और सारे मसाला को अच्छे से मैं यहाँ पे मतलब फ्राई कर लूँगी हल्का हल्का, ज़्यादा इसको जलाएंगे नहीं, नहीं तो इसका टेस्ट ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। और अभी मैं स्वाद अनुसार नमक ऐड कर दी हूँ, जितना सूजी ऐड करेंगे सबको देख के स्वाद अनुसार सूजी ऐड कर दी हूँ। और सॉरी नमक ऐड कर दी हूँ। उसके बाद यहाँ पे ना सूजी ऐड कर रही हूँ और ये जल्दी ही बन जाता है। और आप लोग बताइएगा आप लोग कैसे बनाते हैं। कभी कभी मैं पहले सब्जी को फ्राई करके ना एक प्लेट में निकाल लेती हूँ, उसके बाद में तेल में सूजी को इस तरह सा भून लेती हूँ। आज लेकिन डायरेक्ट कर रही हूँ क्योंकि जल्दी हो जाएगा, टाइम भी हो गया है, थोड़ा सा लेट हो गया है। तो यहाँ पर ना थोड़ा सा सूजी को भूनने के बाद पानी दे दे के इसको अच्छा से भून ली हूँ। और ये देखिए उपमा बन के रेडी हो गया है। एक बर्तन में निकाल कर रखी हूँ, अभी बेटी के लिए टिफ़िन पैक कर दूँगी और कुछ खा के जाएगी और हस्बैंड भी खा के जाएंगे। और छोटी बेटी का आज स्कूल नहीं है और इसीलिए वो घर में ही है। तो देखिए आज कलर ना थोड़ा सा मतलब हल्का सा जल गया था मेरा, और बेटी का बाल बांधते बांधते तो टिफ़िन पैक करना हो गया है। और यहाँ पे बेटी भी अभी ब्रेकफास्ट कर रही है, देखिए वो भी जाएगी स्कूल, उसके बाद हम लोग अपना काम करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज ना मैं देखिए अभी सुबह का जो नाश्ता बना रही थी बेटी के लिए, बड़ी बेटी वो चली गई स्कूल, उसके लिए उपमा बनाई। अभी छोटी बेटी अभी जाग रही है, अभी टाइम हो रहा है सुबह का 8:30। देखिए घड़ी कहाँ आप लोग को दिख रहा होगा या नहीं, 8:30 बज रहा है। मैं भी नहा धो के नाश्ता कर ली हूँ और अभी इसके लिए नाश्ता बना रही हूँ। थोड़ा सा ही आज बनाएगी उपमा, तो पापा जी के लिए और छोटी बेटी के लिए बनाऊँगी पराठा और आलू भुजिया। तो पहले चलिए मैं आलू भुजिया बना लेती हूँ। और आप लोग जिन लोग मेरे चैनल में अभी तक नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साइड में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं इस तरह से न्यू ब्लॉग अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा और आप लोग उसको एंजॉय कर सकेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैं कढ़ाई पर चढ़ा के गई थी और थोड़ा धुआंधार हो गया है, तो चलिए मैं आलू भुजिया बना देती हूँ। तो मैं आलू भुजिया बनाऊंगी हम लोगों के लिए, पराठा और आलू भुजिया। तो यहाँ पे कढ़ाई को मैं गरम कर दी हूँ, आलू ना पहले से काटती हूँ और ज़्यादा नहीं, इसमें प्याज थोड़ा सा ऐड करूँगी। प्याज को भून के फिर जितना भी पाउडर वाला मसाला है उसको मैं दूँगी, और गोटा गोटा ही बहुत अच्छा लगता है इस तरह से फ्राई करना। आलू ना टुकड़ा टुकड़ा हो जाने से ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, देखने में भी अच्छा नहीं लगता है और खाने में तो छोड़िए। उसके बाद मैं यहाँ पे हल्दी, मिर्चा पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर सारे को मिक्स कर दी हूँ। और काटी हुई आलू देखिए लंबा लंबा करके काटी हूँ, ज़्यादा मोटा भी नहीं है, ज़्यादा पतला भी नहीं है, तो मीडियम साइज़ का आलू काटी हूँ। और आलू को ना फ्रेंड्स आप लोग अगर ज़्यादा देर तक ढक्कन लगा के पकाएंगे ना ये टूट जाता है, इसीलिए ना थोड़ा देर ढक्कन लगा के पकाने के बाद इसको खुले में ही पकाना चाहिए। अभी स्वाद अनुसार मैं नमक ऐड कर दी हूँ और अभी फटाफट, ये कितना टाइम लगता है आलू भुजिया बनाने में, आधा घंटा तो लगता ही है क्योंकि अच्छे से पकने में इसको लगता है, थोड़ा तेल ना ज़्यादा लगता है फ्रेंड्स आलू भुजिया में। तो चलिए इसको इस साइड में बैठा देती हूँ और इधर मैं पराठा बनाऊँगी। तो यहाँ पे देखिए आज ना मैं ट्रायंगल पराठा बनाई हूँ, ये देखिए। कभी कभी नॉर्मल पराठा बनाती हूँ और कभी कभी ट्रायंगल पराठा, तो मन हुआ है आज ट्रायंगल पराठा खाने के लिए और इसीलिए ही मैं बना रही हूँ। और पराठा भी लगभग हो गया है, हम लोग खाएंगे तीनों, पापा जी, मैं और छोटी बेटी। और यहाँ पे देखिए आलू भुजिया भी बन के रेडी हो गया है, तो हम लोग ब्रेकफास्ट करते हैं, चलिए आ गई है। उसके बाद फ्रेंड्स ना ब्रेकफास्ट करने के बाद ना अभी लंच का प्रिपेयर कर रही हूँ। और आज ही ना ये ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं गई थी यहीं पे कौशल्या मोड़ खड़गपुर का, तो बाज़ार से ये लेके आई हूँ सुनसुनी साग इसको बोलते हैं। तो इसको
मिला तो ये 10 रुपया का ही, तो इसका भाजी बनाऊंगी। तो बहुत ही टेस्टी होता है इसका भाजी। तो इसको देखिए बड़ा साफ करके ना मैं धो के लेके आ गई हूँ, इसका भाजी बनाऊंगी। ज़्यादा कुछ नहीं, इसमें लहसुन और मिर्च ऐड करूँगी। लहसुन डालने से ना बहुत ही टेस्टी लगता है, आप लोग भी कभी बनाइएगा। तो यहाँ पे तेल गर्म हो गया है, सूखा मिर्च डाल दी हूँ और लहसुन कूट के डाल दी हूँ। ये डालूँगी, ये देखिए आज ना प्याज भी डाल रही हूँ फ्रेंड्स। तो एक मीडियम साइज़ का जो प्याज था उसको मैं छोटा छोटा काटती हूँ और इसको भी डाल के यहाँ पे भून रही हूँ। उसके बाद लहसुन भी डालूँगी आज। प्याज भी डाल दी और लहसुन से है ना इसका मतलब खुशबू बहुत अच्छा लगता है। आप लोग को अगर लहसुन पसंद है ना, लहसुन ज़रूर डालिएगा। तो हो गया है प्याज फ्राई करना। अभी 2 से 3 लहसुन को कूट के रखी थी। थोड़ा सा ही साग बनेगा क्योंकि 10 रुपये का कितना और बनेगा, और खाने में बहुत ही टेस्टी है। दोनों बेटी को बहुत ही पसंद आता है ये जो सुनसुनी साग है। मेरे छोटी वाली बेटी तो इसको बोलती है छाता साग, तो ऐसे खिला रहता है ना इसीलिए। तो यहाँ पे फ्रेंड्स सारे साग को मैं डाल दी हूँ। तो देखिए अभी एक कढ़ाई भर के दिख रहा है, उसके बाद देखिए कम हो गया है, बहुत ही कम होता है ये साग। तो स्वाद अनुसार अभी नमक मैं ऐड कर दूँगी और थोड़ा देर इसको इस तरह से चलाते चलाते ये पक जाएगा। और फ्रेंड्स खाने में ना बहुत ही टेस्टी लगता है। आप लोग को भी ये अगर नहीं पता है तो आप लोग एक बार लाइए और इस तरह से बना के खाइए, बहुत ही टेस्टी साग है। तो चलिए अभी मैं आप लोग को और कुछ दिखाती हूँ और मैं क्या बनाई हूँ। तो ये साग को ना मैं प्लेट में निकाल दे रही हूँ, थोड़ा सा ही हुआ है। तो मेरे घर में दोनों बेटी खाते हैं साग, मैं खाती हूँ, हस्बैंड खाते हैं, लेकिन मेरे पापा जी जो ससुर जी वो नहीं खाते उतना, उनको पसंद नहीं है। और यहाँ पर करेला और आलू का भुजिया भी मैं बना दे रही हूँ। तो आज का लंच यही है और यहाँ पे चावल भी बन रहा है और थोड़ा देर के बाद चावल भी बन जाएगा। और यहाँ पे मैं चेक कर रही हूँ थोड़ा सा, ये देखिए। और इस साइड में ना मैं आज दाल में बनाई हूँ, फिर इसको ना हो गया चावल तो इसको छान ली, और ये दाल में है इसको चौंका लगाऊंगी अभी। तो कुछ नहीं, सिंपल सा ही चौंका लगा रही हूँ, थोड़ा सा तेल दी हूँ और इसमें अभी थोड़ा सा जीरा दे दे रही हूँ, जीरा दे रही हूँ। और थोड़ा जीरा चटकने के बाद ना इसमें मैं मसाला ऐड करूँगी। तो थोड़ा सा लहसुन कूट के रखी थी, लहसुन ही दे रही हूँ। लहसुन ना बहुत अच्छा सा दाल में बहुत अच्छा, मुझे तो अच्छा लगता है, आप लोग को अच्छा लगता है कि नहीं पता नहीं। उसके बाद पाउडर वाला सारे मसाला ऐड कर दी और जो दाल आलू बैंगन सब पका के रखी थी ना उसको भी ऐड कर दे रही हूँ। तो हमारा जो डालमा है बनके रेडी हो गया है। बस ये लंच बनाने तक वीडियो बनाई थी। आई होप आज का ब्लॉग आप लोग को पसंद आएगा। पसंद आएगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।